एक व्यापारी और नाव वाला। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वो गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वो एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुँच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने शॉर्टकट ही इस्तेमाल किया। उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वो नाव छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठ गया। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बेचारा गरीब था। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी और तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ से पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर पैर तक नहीं रखा। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव के बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते ही उसका ध्यान भटक गया और नाव की कोन एक पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब, क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और उसने बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो सब दे दूँगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता
हमें कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए।